तो गाइस आज की इस वीडियो में क्रैश होने वाला है सन, वो भी मेरे माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में, और साथ ही साथ लास्ट में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से मुझे यहाँ से पलायन करना पड़ता है, और पलायन में ऐसी क्या क्या सिचुएशन आती है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अगर तुम्हें जानना है तो तुम्हें पूरी वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा। लेकिन गाइस उससे पहले अगर तुमने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या बात है यार, जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पे नए वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा नजदीक यार 2 लाख सब्सक्राइबर के पास, तो प्लीज जाके कर दो, और तुम्हारा एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अपने दुनिया को बचाने के लिए। तो चलो यार देखते हैं आखिर ये कैसे होता है भाई। ओके तो अभी यहाँ पे मुझे बार पे जाना है भाई, सबसे तेज और मेरे फेवरेट बार। ओके ऑलराइट तो एंट्री करते हैं। हेलो हेलो फायर गर्ल, व्हाट्स अप मैन। ओके मैं तेरा इंतजार कर रहा था। हेलो हेलो भाई, इतने समय बाद मिली। ओ भाई भाई थैंक यू सो मच। ऐसे कर मेरी स्पेशल ड्रिंक वहाँ पे पहुँचा, मैं इतने न्यूज़ देख रहा हूँ, ठीक है। ओके चलो ऑल राइट गाइज, यार डेली का रूटीन बन चुका है, बट यार गाइज मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है यार कि मैं अपने लोन चुका सकूँ उन सब बंदों को जिससे मैंने लोन लिया है, बट कोई नहीं, चलो यार टीवी देखते हैं आराम से बैठ के, थोड़ा आगे वाली फ्रंट डेस्क चलते और देखते हैं। ऑलराइट छपरी न्यूज लाइव टू लाइव। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ज्यादा सूचना बढ़ चुकी है जिसकी वजह से सूरज पास आने वाला है। अगर तुम्हारे सूरज की वजह से तुम्हारे पिछवाड़ गले, तुम्हारी गलती नहीं है। एक मिनट, व्हाट, तुम कहाँ से आयो? भागो, भाग जाओ, धरती खत्म। व्हाट, अरे हाँ टीवी बंद हो गया यार। फायर गर्ल टीवी बंद हो गया। अरे वो ड्रिंक लाई थी ना, ड्रिंक लिया मेरी। ओके ड्रिंक ले लेते गाइस, मी ड्रिंक, हाँ मी ड्रिंक ले, दे ड्रिंक ड्रिंक ड्रिंक। ओके ऑल राइट, मेरी फेवरेट ड्रिंक ऑरेंज जूस गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यहाँ का ऑरेंज जूस। ओके तो मैं अभी ऑरेंज जूस पी लेता हूँ। हाँ हाँ भाई फायर गर्ल, तुझे पता यार मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा उदास हो रहा हूँ क्योंकि यार मेरे पास पैसा, ये समझ ले मेरी सारी चीज़ें जा चुकी है। बॉडीगार्ड चले, चलते जल्दी से, वेटर इधर आओ। अभी अभी फायर गर्ल कोई आया लग रहा है। वाह नाइस यार, इसके भी काम चल चुका, अच्छी बात है। बट कोई हमारे पास कौन कौन सी ड्रिंक है, जो भी ड्रिंक है ना सारी की सारी पैक कर दो, हम लेके जाने वाले हैं। ये कौन है जो सारी ड्रिंक खरीद रहा है बाहर के? एक सेकंड, ओए ओए, हेलो हेलो हेलो, वेट 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 वेट, हेलो, अरे तू यहां पे कैसे आ गया? एम आई एम चेकिंग। अरे वेट, अरे बॉडीगार्ड कौन है भाई? अभी ये तो वही साइंटिस्ट है जो अभी मैंने यहां पे देखा था टीवी में। अरे क्या बकवास की बात कर रहा है, कौन क्या मतलब कुछ भी भाई। फायर गर्ल एक ड्रिंक और दियो यार। और वैसे तू कहाँ से आ गया यार यहाँ पे? अरे बाहर से आई यार, एंजॉय करते हुए आई है। तुझे बट तू इतनी अमीर कैसे हो गई थी? पर डायमंड कार में आ चुका है। और क्या पैसे की कमी है क्या मेरे पास? जब से तू नहीं है ना मेरी जिंदगी बहुत। फायर गर्ल कोई आ हुआ है? ड्रिंक एक और। हाँ चलेगी क्या? मैंने ले ली, इधर देख भाई, तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया? पूरा भाई पूरा बार ही मैंने ले लिया भाई। बॉडी गार्ड का डाक मेरे पास था। अरे मैं तेरे पास आ भी ना यार, यार शिट, यार मुझे कोल्ड ड्रिंक मिली यार। अरे यार तू इतना दुखी मत हो, ये ले एक लास्ट ड्रिंक फ्री में तू ले सकता है मेरे से। यार मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ यार, वैसे भी मूड खराब हो रहा है, पता नहीं आजकल ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत ज्यादा चल रही है। हाँ वो तो चल रही है। हाँ चल तू ये सब चीजें छोड़, मैं जा रही हूँ, ठीक है? बॉडी गार्ड मेरे पीछे, बट ये मैंने साइंटिस्ट अभी टीवी में देखी थी यार। चल चुप रहे, कोई साइंटिस्ट नहीं है यहाँ पे यार, पता नहीं क्या भाई। नहीं 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 भाई, ये कुछ छुपा रही है यार मेरी बहन, इसी और ये साइंटिस्ट है। रुक जा दीदी, रुको दीदी रुको। ओके दीदी सुनो, मेरी बात सुन लो, हटो रुक जा। हाँ बोल। इसको तो पहले दूर रखो, मुझे कहना है कि मैंने मैंने अभी इसको देखा और ये पता नहीं क्या बोल रही थी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, जिसकी वजह से गर्मी इसलिए बहुत ज्यादा हो रही है। अरे गर्मी तो यार ऐसी टेम्परेचर मतलब चलता रहता है ये सब। नहीं तुम झूठ बोल रहे हो कुछ, और ये बीच में बोलते बोलते गायब हो गई थी ये लड़की। अरे यार तू मेरा भाई है, चल तेरे को बताना पड़ेगा क्या? हाँ। तो बेसिकली यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का लेवल बढ़ता जा रहा है और ये वर्ल्ड पे कभी भी डिजास्टर हो सकता है, मतलब कुल मिला के अर्थ तबाह होने वाली है। व्हाट? फिर तो हमें सबको बताना चाहिए यार। नहीं क्यों बताना चाहिए, पागल है क्या तू? कोई भी हमारे पास अभी ऐसा कुछ नहीं है रीजन जो हम यहाँ से भाग सके, मतलब कोई साधन नहीं है, तो फिर हम बचेंगे कैसे? तुम कैसे बचोगे? तुम इतनी कोल्ड ड्रिंक ले ली थी सारी। अरे सुन मेरे पास एक रॉकेट है। अभी रॉकेट? हाँ तो उसमें मुझे इतना सारा पैसा लगाया है, ये साइंटिस्ट है, हाँ तूने सही पहचाना था इसको, इसने मिलके और मैंने मिलके वो रॉकेट बनाया, उसके अंदर मैं बैठ के धरती से उड़ जाऊंगी। मतलब तूने तो बनाया नहीं होगा, इसने ही बनाया होगा यार। हाँ तो यार ये तो कॉमन सेंस है ना, साइंटिस्ट तो वो है ना, तो इसका मतलब तो ऐसा करता हूं फायर गर्ल को बता दो, वो हम नहीं जाएंगे। नहीं कहां चलेंगे, मैं तेरे को कहीं नहीं लेके जा रही। अरे मैं तुम्हें सबको दूंगा यार दीदी, मैं पैसा वैसा सब है तेरे पास है भी, गरीब लोन लेके दे दूंगा यार। अरे जा गरीब दोस्तों के, तुझे अपने गर्लफ्रेंड पे ज्यादा प्राउड है ना, दिखाऊंगा अभी एक चीज। अब भाई वो तो मुझे कभी भी छोड़ेगी, मैं उसके साथ ही रहूंगा जब तक लाइफ में हूँ भाई। पैसे की पावर दिखाती तू देने, तू चल मेरे साथ। दिखा क्या 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 देख क्या क्या करने का? अब तू ये तेरे साथ जाएगी या मेरे साथ? फायर गर्ल तुम क्या नाम है, तुम्हें बेस्ट फ्रेंड है ना? अरे फायर गर्ल
देखा यस देखा अब देख ले ठीक है ना ये देख लिया ये मेरे साथ हमेशा रहेगी। फायरगर्ल तुझे पता है दुनिया तबाह होने वाली है और फिर मेरे पास ये एक रॉकेट जिसमें हम यहाँ से उड़ के जा सकते हैं। अगर तुझे मेरे साथ चलना है तो बता, ये इस गरीब के साथ रहेगी तो मरेगी यहाँ पे तू भी। फायरगर्ल कम से कम जियेंगे एक साथ हम। और ये ले डायमंड के आर्मर वार्मर सब ले। व्हाट डीआर के टू दारू बाजे। अब बताइए डायमंड का आर्मर चाहिए क्या चाहिए। देखा देखा फायर गर्ल देखा वो मुझे धोखा नहीं देने वाली स्टील समझ गई क्या। अरे क्या तेरा प्यार सच्चा है क्या। देख लिया व्हाट भाई ये पैसे की पावर करेगी बिक जाएगी तू भी तुम तीनों यार सेम कैटेगरी के यार हैं। चलो मेरे साथ चलो डीआर के भाग यहाँ से। भाई क्या बोलना चाहते हो। सॉरी डीआर के यार ये सब चले गए मुझे छोड़ के। भाई मतलब वो आपसे क्लोज हो गया भाई ये सीस मैन। भाई क्या मतलब क्या से क्या हो गया। चलो 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 जल्दी चलते यार हमें वैसे ही बहुत सारी तैयारी करनी है। यार ये तो बहुत ज्यादा गलत चीज हो यार मेरे साथ। ओ शिट यहाँ पे ये भी आ गया स्केलेटन के बच्चे। वैसे ही वो मुझे सब छोड़ के जा चुके। अब तू मुझे मार ले और भाई जिंदगी खराब करके रख रखी यार इन सब ने दिमाग खराब करके रख रखा है। यार ये तो बहुत ज्यादा गलत चीज हो रहा है यार मतलब दुनिया तबाह होने वाली है। बट यार उससे पहले मैं जल्दी जाकर सोऊं यार। वैसे भी यार बहुत ज्यादा रात हो चुकी है यार मुझे पता नहीं समझ नहीं आ रहा अपनी बहन से कर... ये कौन है मेरे घर पे कौन है कभी चोर तो नहीं है। ओए ओए चोर नाइटर तू यहाँ कैसे आ गया यार। क्या हो गया भूल गया ना मतलब भाई कब तक। अरे नहीं, दे तक? दूंगा, अरे दे दूंगा बोल तो दिया यार दे दूंगा मैं दे दूंगा यार। बट कम से कम एटलीस्ट मेरे घर तो छोड़ो यार मुझे घर चाहिए मेरा घर चाहिए भाई। अच्छा अच्छा घर चाहिए। हाँ जाओ दे दी जाओ। हाँ ठीक है दादा मैं डैमेज मार रहा है यार ये। एक बार अपने दोनों बंदों से बोलूंगा और तुरंत टीएनटी लग जाएंगे समझ रहे। अरे नहीं यार प्लीज यार मैंने इतनी मेहनत से बनाया यार मेरे पास और कुछ भी नहीं है। मेरे पास बहुत ज्यादा गरीब हूँ मैं। मेरे को विद इंटरेस्ट के साथ सारा अपना पैसा वगैरह सब वापस चाहिए। यार मेरे पास पैसा नहीं है मैं कहाँ से दूँ तुझे। अरे यार अच्छा चल सुन तेरे को अपना घर चाहिए ना। हाँ चाहिए चाहिए चाहिए। तो तुझे मेरे लिए एक टास्क करना। क्या चल पीछे आ रहा मैं। भाई क्या टास्क करो ये कहाँ लेके जा रहे हो भाई तुम वहाँ पे। अभी वेट यहाँ पे दिन हो चुका है। बट ये क्या कहना चाहते हो तुम। तो डीआर के भाई देखो ये आर्मर जो दिख रहा है ना तुमको। हाँ दिख रहा है इतना अच्छा सुनहरा आर्मर। तुम्हें इस लाइन से यहाँ से फिशिंग रॉड मार के इस आर्मर को इस लाइन तक लाना है। और अगर मैं ये करता हूँ तो क्या होगा। तुम्हें ये सुनहरा आर्मर मिल जाएगा और तुम्हारा सारा लोन मैं माफ करूंगा। हाँ तो मैं परफेक्ट हूँ मैं कर दूंगा पक्का जीत भी जाऊंगा। अगर नहीं कर पाए तो आई एम सॉरी ब्रो तो तुम्हें डबल रेंट मतलब डबल लोन दे के और उसको इंटरेस्ट के साथ वापस करना। अबे यार चल ठीक है मैं कर दूंगा। मुझे इस अपने आप पे और अपनी स्किल्स पे इतना भरोसा मैं कर दूंगा आराम से चिंता मत करो। हाँ, okay, हाँ, करो फिशिंग रॉड दे दी मुझे। ओके तो मैं फिशिंग रॉड की हेल्प से करता हूँ ठीक है। मुझे यहाँ व्हाइट आउटलाइन पे टच करना है ना। हाँ हाँ ठीक है ओके इसको बस एक शॉट में मुझे करना है। ओके ओके लेट्स गो मैंने टच कर दिया। हाँ भाई इसका मतलब ये आर्मर जीत चुका हूँ मैं सारी चीज जीत चुका हूँ ना। अब बस देख 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 साफ सीधी बात है ये आर्मर मैं रख लेता हूँ है ना। बट वेट इस सिचुएशन में मुझे धोखा देते हैं यानी कि इन्होंने नीचे टीएनटी रखे के जिसकी वजह से मैं आसमान में उड़ जाता हूँ। और जब मैं आसमान में उड़ता हूँ तो फिर मैं डिस्कनेक्ट मारता हूँ। बट कर दिया भाई बंदे ने। फ्लाइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन दिस सर्वर व्हाट एट द रेट। तुम ये देख सकते हो जिस वक्त मैं डिस्कनेक्ट मारता हूँ उसके बाद जब मैं ज्वाइन करता हूँ मैं आसमान में होता हूँ तो मैं एमएलजी करके बच जाता हूँ। तो बच गया? What? No. Movie. Okay, all right. DRK. Oh shit. DRK. अबे no. अबे भाई मेरा घर वापस दे दो वैसे मैं जीत चुका हूँ यार सिंपल सीधी बात है। चल बे चल तूने इतना तरसाया इतनी जल्दी दे दूँ। भाई ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है यार। तेरे ये सारे बच्चे ना बचेंगे नहीं चिंता मत कर मैं बाद में देख लूंगा तो अपने घर भी लेने आऊंगा चिंता मत कर। पहले भाग यहाँ से वरना मर जाएगा। अरे बच गया यार। हाँ मैं तो जा रहा हूँ भाई सीधी बात नो बकवास। भाई मैं निकलू यार यहाँ। भाई एक तो अपने इनको देख ले और तू पछताएगा। भाई तूने यार मेरा घर छीना यार मेरे हाथों से यार। भाग जाए यहाँ से। ओके ऑलराइट लेट गो। छोटा भाई मोटा भाई जाओ वहाँ पे उसके घर में टीएनटी बिछा दो। किस गाइस मुझे लग रहा है यहाँ से वो जा रहे हैं। ओके नेम टैग जाते हुए दिख रहा है। लेट गो यहाँ से बाहर निकलो। भाई यार ये तो बहुत ज्यादा गलत सीन कह रहा है यार मेरे साथ इन्होंने। तो ये बहुत ज्यादा गलत सीन कराया है इन्होंने मतलब ये ट्रैप की फालतू की चीज यार ये बहुत ज्यादा बकवास सीन है। भाई देखा जाए तो इनमें से कोई भी चीज नहीं बचने वाली। कोई इन्होंने मेरा घर अपनाया कोई नहीं चलेगा। बट यार जब तक सन तुम्हें पता है सन नीचे आ रहा है धरती पे और इसकी वजह से बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई जिससे मैं अपनी बहन के साथ जा सकूँ स्पेस क्राफ्ट में और यहाँ से बच सकूँ।
भाई मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा यार, मुझे अपनी बहन से हेल्प लेनी पड़ेगी लग रहा है जहाँ तक है। क्या हुआ क्या हुआ, क्या गदर बदल क्या बोल रहा है, सीन क्या हो गया, ठीक से बता मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। बोलो मी, हाँ हाँ चल क्या हो गया। अरे यार क्या बात कर रहे है तू, पानी। ओके सो वेट गाइस, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, पता नहीं इनकी सबकी क्या बातें चल रही है और ये क्या पानी के पास है। पानी में क्या डैमेज कैसे हो रहा है पानी से, अरे पानी से डैमेज कैसे हो रहा है मेरे को, क्या वक्त कम है, क्या मतलब है तेरा, क्या 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 मतलब क्या है, वक्त कम का मतलब क्या है, हमारे पास तो रॉकेट रेडी है ना, अब सब कुछ रेडी है, फायर गर्ल कहना क्या चाहता है ये। यार ये ग्लोबल वार्मिंग, पहले तो साइंटिस्ट देखो स्पेलिंग नहीं आती, ग्लोबल वार्मिंग है बट हुआ क्या, उसकी वजह से वाटर में डैमेज पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, अरे ओ माय गॉड ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है क्या, तो अब क्या करें, रॉकेट का सब कुछ रेडी है क्या, कोई दिक्कत है अभी भी, क्या पैसे खत्म हो गए, अबे कितने सारे करोड़ों रुपए दिए थे मैंने तेरे को, तूने खत्म कैसे कर दिए, अब क्या रह गया उस रॉकेट में। अरे यार मैं तुझे क्या बचाऊंगी, पहले मैं खुद तो बच जाऊं, फ्यूल के पैसे खत्म हो गए, अबे यार अब पैसे कहां से लाऊं मैं, मेरे तो जितने पैसे थे मैं सारे खत्म कर चुकी हूं, सारे दे दिए मैंने तेरे को यहां से भागने के लिए। क्या आपका पेट, ये तू सोचियो भी मत इस बारे में समझा, कोई पेट नहीं है वो, तुझे पता भी है कितना एक्सपेंसिव ब्रीड का है वो, मैं नहीं बेच सकती उसको, चुप रह अपना दिमाग ज्यादा मत चला अपना, नहीं नहीं कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा, मैं टाइम लेती हूँ, मैं थोड़ा सोचती हूँ, पर पेट के बारे में सोचियो भी मत, जाके उसको एक सेफ जगह पे बांध के आ समझा। फिर ये सारी बातें पता करने के बाद मैं जल्दी से इसके पैड को चुराता हूँ और लेके जाता हूँ उस अमीर इंसान के पास, यानी कि नाइट्रो के पास, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अमीर था अभी। ओए डेविल रुक जा, डेविल रुक जा, व्हाट भाई रुक जा, ओए डीआरजे तू अभी मेरी हिम्मत कैसे, सुन रुक जा रुक जा, मैं तेरे लिए डील लाऊं, तू मुझे मेरा घर वापस दे, मैं सबसे ज्यादा रेयरेस्ट मॉब जो पूरे इस वर्ल्ड में एक है वो मैं तुझे दे रहा हूं, ये देख ये वही है ना जो तुझे चाहिए था, मेरे सर पे पागल, अभी देख तो नेम टैग क्या है किसका है, ओ सब मैं देख लूंगा ठीक है, मैं चलता हूं, हां तो इसको ये ले, मैं ये रखता दूं, इसको ले पकड़, अब ले जा तू अपना ठीक है, अब तू अपने आप ले जा इसको उतार के ठीक है, जैसे भी ले जाना तुझे ठीक है, हां ओके, बस तूने मेरा घर छोड़ दिया ना, बस दैट्स इट, बस थैंक यू ब्रो। ओके सो वेल गाइस, वो वहां पे जा चुका है, जल्दी से इन्विजिबिलिटी का पोशन पी, आर्म उतार जल्दी फटाक से, यो मिल गया भाई मिल गया, तेरे को पता है मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूँ भाई, मिल गया भाई पेट मिल गया, इसको तो मैं वहां रखूंगा जहाँ पे मेरा सारा लाखों करोड़ों का खजाना है, जल्दी से चलता हूँ। फिर उसके बाद डेविल नाइट्रो मुझे लेके जाता है अपने स्पेशल जगह पे जहाँ पे इसने खजाना छुपा रखा होता है, बट जैसे ही मैं उसके अंदर जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे बहुत सारे डायमंड मिलते हैं, और फिर डेविल नाइट्रो मुझे वहाँ पे छोड़ के चले जाता है और उसको पता नहीं चलता कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ इनविजिबिलिटी का पोशन पी के। फिर इसकी हेल्प से मैं जब फटाक से सारे के सारे डायमंड को कलेक्ट करके ऊपर निकल जाता हूँ इसको बेच के फ्यूल लेने के लिए। हाँ हाँ ये वही चीज़ हुई कि उसके डायमंड से उसको ही बेचा और उससे पेट्रोल ले लिया फ्री में, तो तुम कह सकते हो गोल्ड वोल्ड वो इसके पास है, तो इसका मतलब ये सारे गोल्ड की हेल्प से मैं वापस स्पेस में जा सकता हूँ और मे भी अपनी बहन के बिना, यप उसने मुझे छोड़ने की ट्राई करी है ना स्पेस में जाने की जगह, तो मैं स्पेस में जाऊँगा और उसको छोड़ दूंगा अब, यप तो ऐसा करता हूँ ये सारी जो डायमंड्स है ना मैं एक सल्का बॉक्स में ले के आता हूँ। भाई यार कितने सारे डायमंड्स है यार, सारी चीजें प्लान के अकॉर्डिंग जा रही थी बट कुछ प्रॉब्लम हो जाती है भाई, और अब तुम आगे देखो। हेलो हेलो, अरे हेलो, तू कैसे आ गया, ओ तेरा भाई और तूने मेरे से बहुत गंदी दुश्मनी ली है, फंस गई ना, तेरा भाई तो फंसा था उसमें। अरे क्या मतलब है तेरा भाई फंसा, गरीब इंसान क्यों आया तू यहाँ पे, वो ओ गरीब होगी तू, सारा पैसा खत्म करके अपना पेट बेच दिया तूने, शर्म नहीं आई, पेट बेच दिया, एक मिनट और क्या, क्या डीआर के आया था भाई, डीआर के आया था अपना घर छुड़वाने तेरे पेट को लेके, थैंक्स यू, मेरा पेट उसने बेच दिया वो भी तेरे को, आई एम रिचेस्ट प्लेयर इन दिस माइनक्राफ्ट एसएमपी ब्रो, इस डीआर के को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, पर उसको मेरा पेट मेरा, जा जाओ ओए रुक जा, अरे हां हां ओ सुन, आज से इस एसएमपी का सबसे रिचेस्ट प्लेयर मैं हूं ठीक है, अरे जा चल आया बड़ा भाई, तेरा भाई भी उल्लू मेरे को बनाना चाहता था, तू भी उल्लू बनाएगी, दोबारा सोच ले ये धरती वैसी खत्म होने वाली है, सिर्फ मेरे पास है रॉकेट जिसमें मैं बैठ के उड़ सकती हूं। हां तेरे को कैसे पता चला, अरे वो साइंटिस्ट का मेरे को पता बता पहले, तो वो साइंटिस्ट मेरा ही दोस्त है और मैंने वो रॉकेट बनवाया, अगर तू चाहता है कि तुझे भी उस रॉकेट में मैं ले चलूं तो तुम डीआरके को फंसाने में मेरी मदद कर,
क्या 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 लगता है? मेरे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वो आराम से फंस सकता है, अगर तुम एक बार देखना चाहोगी। ओके सो गाइस, मुझे ये सबसे पहले जाके डेविल नाइटो को देना, उससे फ्यूल खरीदना है धोखे से। ओ वेट, ये किस चीज का है? व्हाट, साहिल यहां कैसे है? डेविल नाइटो हो रहा। हेलो डेविल नाइटो, हेलो हेलो यार क्या? अरे ब्रो सुन सुन, मुझे एक बात कहनी थी यार। सुन मेरी बात सुन। और ये क्या बिछा रखा है? और ये मिसाइल कहां से आई? अरे भाई, भागने का प्लान बस तुम ही लोगों ने बना रखा होगा, मैं तुम सब लोगों से बहुत चला। अरे वो ठीक है, बट तेरे पास फ्यूल है ना? मुझे फ्यूल चाहिए। ये ले ले, तेरे पास ये सर का बॉक्स है, वो फुल डायमंड भरा हुआ है, पूरा का पूरा स्टैक फुल डायमंड। देख ले, चेक कर ले भाई, पूरा पूरा डायमंड से बड़ा है। ये तेरे पास कहां से आया? वो मैटर नहीं, वो देख, वो तेरा मैटर नहीं है, तू चुपचाप जल्दी से मुझे दे दे, ठीक है? अच्छा, किसी नेम टैग दिख रहा है? अरे ये ले यार, फ्यूल ले। हाँ ये देख, फ्यूल देना, गोल गोल फुल। अरे पकड़ तो उसको एक बार, पकड़ तो। हाँ तो ले ये, वेट। व्हाट, ये क्या ट्रैप बिछा है भाई तूने? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं है ब्रो। ये है किस चीज का ट्रैप, मुझे ये बता पहले। केज है, ओनली केज ब्रो। यार के क्या हाल है? वेट, मैं तोड़ नहीं पा रहा यार इसे। और तू कहाँ से आ गई? मैं यहीं पे सोच रही थी तेरे को फंसाने आई हूँ। मतलब तुम दोनों की साजिश थी क्या ये? और क्या, तुझे क्या लगा तू स्मार्ट है? तूने मेरा क्यूटी पटूटी इसको बेच दिया। वो अलग बात है यार, मैं क्या अलग बात है, मुझे भी तो बचना है यार, मुझे भी जिंदा रहना है। वेट, फायरगर्ल कहाँ है? फायरगर्ल उसको मैंने पहले केज में कर दिया, क्योंकि मैं क्यों लेके जाऊँ? मतलब वो नेम टैग किसका? वो फायरगर्ल है उस केज में? और क्या। अच्छा वो, ओ हाँ वो तो वहीं पे। व्हाट, ये क्या सीन है? देख स्किल, मुझे कहना, मुझे बचाना है वो। देख भूल, वो टाइम नहीं बचा वो। हाँ टाइम नहीं बचा, तभी तुम सबको यहीं पे छोड़ के जा रही हूँ मैं, समझा? डेविल के साथ जा रही हूँ। हाँ तू तो कह रही थी, ओ यार तू तो कह रही थी एक बंदा जाता है वो। अरे चल ना, कुछ मत बोल। इसके लिए तुम फ्यूल लिया है? हाँ फ्यूल है मेरे पास, मैं देता। तो भरो इसको जल्दी से, फ्यूल भरो। और सुनो, इसमें रॉकेट में जाने से पहले ना हमें आर्मर उतारना पड़ता है। आर्मर उतारना पड़ता है? हाँ, वरना नहीं होंगे, हम दो लोग जा रहे हैं ना इसलिए। सुन, मैं फ्यूल तो भर देती हूँ, पहले ना तू एक काम कर, अपना आर्मर उतार दे। अरे आर्मर क्यों उतारना? अरे आर्मर उतारना पड़ेगा ना यार, इसके अंदर फिट नहीं होंगे हम लोग। अच्छा चलो लो। हाँ निकल। अरे कहाँ जा रहा है ये? क्या करा? ये क्या करा भाई? ओ चीटर, जानता है रुक जा, कहाँ जाएगा? मैं कितना, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, तुझे लेके जाऊंगी, बहुत बड़ा आदमी हूँ। बस खत्म, व्हाट कर देते हैं? कितने कितना चाहिए उसको? एक दो, फुल हो गया। Now, अब मैं जा रही हूँ। Bye, DRK. अबे रुक जा यार, मैं आ रहा हूँ, रुक जा। What? मैं आ गया। No. Okay. What? यार तू चली गई। Okay, bye, DRK. यार सही है। तो कोई अच्छे से प्लेनेट पे चली जाऊँ मैं, तो बेटर है मेरे लिए। चलो। ये क्या हुआ? Okay, fire girl, are you ready? चला जा, मारा। ओ भाई यार, कितना ज़्यादा मज़ा आ गया यार बहन को ट्रोल करके। अब तुम पूछो गाइज, आखिर ये हो तो हो क्या रहा है? हाँ तो तुम्हें स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक तुमने पूरी वीडियो को ध्यान से देखा है, बट तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया आखिर क्या हुआ है। एक्चुअली में जब मुझे पहली बार वो जो तुमने देखा था ना टीवी में, वो दिख रही साइंटिस्ट, वो और कोई नहीं थी, वो मेरी ही पार्टनर थी जो मैंने अपनी बहन के पास भेजी थी ऐसी बात बता के कि सन यहाँ पे आने वाला है और क्रैश होने वाला है अर्थ से। समझी क्या नाम है? फायरगर्ल, समझ रही है ना? और उसने तुझे ट्रैप करा है। हाँ तो समझी, मैंने अपनी बहन को जान पूछ के इन सबको ऐसे झांसे में फंसाया कि जिससे इनको लगे कि भाई ये वर्ल्ड खत्म होने वाला है। और ये सारी चीजें हम तीनों की मिली भगत थी, फायरगर्ल है ना। तुम्हें क्या लगता है कि हम तीन तेनूबे की हम ऐसे हमारे साथ हो जाएगा ये सारा गेम? एक्चुअली में हमने अमीरों को ही मार के खुद अमीर बन गए हम तीनों, है ना गाइज? तो वेल गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें ये स्मार्ट वर्क वाली हाई पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूं तुझे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय।